वेलकम बैक विन अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। सो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम बच्चों को पार्क लेके जाते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। तो पार्क चाहे और चाहे ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ आ गई थी मैं बनाने चाय। सबसे पहले हम लोग ने पानी बॉईल करना है, पानी बॉईल किया चाय का, और उसमें अपने हिसाब से हम लोगों ने पत्ती ऐड करनी है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऐड करते हैं, मैं थोड़ी रेगुलर पीती हूँ तो उस हिसाब से रेगुलर हम लोगों ने पत्ती ऐड की। एक चाय का कप पूरे दिन की थकावट को उतार देता है, तो आफ्टर द हैक्टिक डे चाय का एक कप पी के मैं फ्रेश हुई एंड देन वी वेंट टू द पार्क। तो यहाँ हम लोगों ने ऐड किया हसबे जायका शुगर। सो कुछ लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं और कुछ नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ शुगर ऐड की बॉइलिंग वाटर में। अच्छा, चाय कुछ लड़कियाँ बनाने में हेजिटेट होती हैं बड़ी फैमिली गैदरिंग के लिए, तो उसके लिए टिप ये है कि आप सबसे पहले कावा बना लें, क्योंकि इस तरह आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है चाय के कप्स कितने बनने हैं। ठीक है, तो आप उसमें 3/4 वाटर ले लें और उसमें फिर उसमें मिल्क शामिल कर दें और कावे को अच्छी तरह बॉयल होने तक पकाएं। ओवर बॉयलिंग भी ना करें, क्योंकि फिर उसमें चाय का कलर जो एक पिंक सा कलर होता है वो कलर नहीं आता, फिर चाय का कलर थोड़ा डार्क की तरफ चला जाता है, जो कि अमूमन लोगों को पसंद नहीं होता। तो आप अपने कावे को बस अच्छे से बॉयल कर लें, नॉट ओवर बॉयल। तो बस यहाँ हम लोग इस स्टेज पे अब हम लोग मिल्क ऐड करेंगे। जब कावा अच्छे से पत्ती अपना कलर छोड़ते हैं, बस उसके बाद हम लोग यहाँ मिल्क ऐड करते हैं। तो एक टिप ये है कि अगर आपको अपनी फैमिली में सबका फेवरेट बनना है तो आप एक मज़ेदार सी चाय बनाना सीख लें, तो सब आपको पसंद करेंगे। क्योंकि चाय जो होती है वो बस मज़े की चाय मिल जाए तो आपके पूरे दिन की थकान फौरन से झटपट से उतर जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने मिल्क ऐड कर दिया था चाय में और अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे अच्छे से। तो अगर हम अपने बचपन को कभी कभी याद करें तो इसी तरह हमारी मदर भी हमें हर वीकेंड पर आउटडोर एक्टिविटी के लिए हम लोग भी पार्क का प्लान बनाते थे कज़न्स वगैरह के साथ। तो चाय मस्ट होती थी हमारी भी, चाय लेके जाना साथ स्नैक्स वगैरह, और खूब गेम्स वगैरह प्ले करना, खो खो और बहुत सारे मज़े के गेम्स प्ले करते थे। तो अब हम भी अपने बच्चों के लिए वही सब सेम करते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के डिजिटलाइज दौर में, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम इस तरह पेरेंट्स को टाइम निकालना पड़ता है बच्चों को लेके जाने के लिए, सो दैट उनकी ग्रूमिंग हो अच्छे से, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। घर पे तो बच्चे रहते हैं तो हर फ्री टाइम में गैजेट्स यूज़ करना, मोबाइल सेलफोन वगैरह और LED वगैरह। तो यहाँ हमारी चाय हो गई थी रेडी ऑलमोस्ट। हम लोगों ने एक पैन लिया और उसमें सब थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हम लोगों ने। तो यहाँ पॉपकॉर्न बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है कि मामा पॉपकॉर्न भी लेके जाने। तो यहाँ हम लोग पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने ऑयल ऐड किया पैन में, अच्छे से हम लोगों ने हीट कर लिया ऑयल को और उसमें हम लोगों ने पॉपकॉर्न डाल लिए। अच्छा, बाय द अनहाइजीनिक लेने से अच्छा है कि मतलब कोशिश करें कि हम लोग घर ही बच्चों को एक अपनी नज़रों के सामने और अपने हाथ से बना हुआ हेल्दी स्नैकिंग दें, तो वो दिल भी मुतमईन रहता है मदर्स का। तो यहाँ हमने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून और पॉपकॉर्न अच्छी तरह ऑयल गरम होने तक हमने इसको थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लिया। ऑयल गरम हो गया तो बस पॉपकॉर्न रेडी हो गया। तो जी चाय अब हम लेंगे थर्मोस में लेके जाएंगे, क्योंकि पार्क लेके जानी है तो स्ट्रेन करके हम चाय को थर्मोस में फिल कर देंगे थर्मोस को, और साथ ही पॉपकॉर्न को भी चेकआउट करते रहना है कि ज़्यादा जल ना जाए। अच्छा, जैसे ही पॉपकॉर्न पॉप आउट होने लगे तो हम क्या करेंगे, इसकी आँच स्लो कर देंगे, इस तरह पॉपकॉर्न ओवर कुक होकर बनते हैं। तो हमारे पॉपकॉर्न भी माशाल्लाह से बनते हैं।
तो पॉपकॉर्न को डिश आउट करेंगे हम लोग, क्योंकि पॉपकॉर्न हमें ठंडा करना था, तो एक बड़ी सी प्लेट में डाले पॉपकॉर्न को।
सो गाइस ये था हमारा आज का मिनी सेवे लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।